स्वामी शोधानंद जी को एक इस्लाम के जिहादी कह सकते हैं हम उसको, जिसने अब्दुल रशीद ने उनके सीने पे गोली मार दी और धोखे से मारी। क्यों? क्योंकि वो क्रांतिकारी नेता थे हमारे। एक वही हमारे स्वामी जी थे जिन्होंने कौन सा मंत्र बोला, कहां पर बोला, जो आज तक इस दौर को सौभाग्य नहीं मिला। स्वामिना पिता वसो, जामा मस्जिद की मीनार पर चढ़कर बोले। और क्या किया, जब जलूस को आगे नहीं बढ़ने दिया तो सीना तान कर खड़े हो गए कि चलाओ गोली। और ऐसे निर्भीक सन्यासी आज हम उनको नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अपनी मैं श्रद्धांजलि देती हूँ केंद्रीय आयुक्ति परिषद की तरफ से कि ऐसे वीर सेनानी को शत शत नमन। और वो वाला मैं गीत गुनगुनाती हूँ जो हम शोभा यात्रा में सब हम मिलकर गाते थे, आई फौज दयानंद वाली, आई फौज दयानंद वाली, अब रास्ता कर दो खाली, आई फौज दयानंद वाली। और हम क्या कहते थे, सर जावे ता जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, सर जावे ता जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। धर्म दिखा तेरे स्वामी श्रद्धानंद, धर्म दिखा तेरे स्वामी श्रद्धानंद, सीने इच गोली खावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, सीने इच गोली खावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, सर जावे ता जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। और इसके साथ मैं नमन करती हूँ गुरु गोविंद सिंह को, गुरु तेग बहादुर को, जिनका शहीदी दिवस अभी हमने 26 तारीख को, पिछले 24 तारीख को हमने मनाया। धर्म दिखातिर गुरु गोविंद सिंह, धर्म दिखातिर गुरु गोविंद सिंह, लाल अपने चिनवावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, लाल अपने चिनवावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे, सर जावे ता जावे, मेरा वैदिक धर्म न जावे। बोलिए स्वामी श्रद्धानंद महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, आज हम सब यहाँ नमन कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम की आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। अब श्रीमती विमला आहूजा जी गुड़बुड्डी से प्रार्थना करूंगा अपनी कविता गीत प्रस्तुत करें, इसके बाद आशीर्वाद याद रहे तैयार रहे, फिर बिंदु प्रधान जी, फिर एच डी गोयल जी। हाँ जी, हाँ नमस्कार जी, विमला आहूजा जी आपका। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, स्वागत। हाँ जी एक मिनट, वो दूसरे वाले से बोल रही हूँ मैं, एक मिनट। हाँ जी नमस्कार जी, सभी को सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, बोलिए। नहीं आएगी आप बता दें कि आपको कहाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। क्योंकि बीच में कई बार दिक्कत हो जाती है ना, इसलिए। हाँ जी, आज जिस तरह से हम सब अनिल के माध्यम से श्रद्धानंद बलिदान दिवस के लिए एकत्रित हुए हैं और सब अपना अपना जो है भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं, लेकिन श्रद्धानंद जी की तरह बनने के लिए कोई भी व्यक्ति अपना समर्पण नहीं करना चाहता है, सिर्फ हम कहकर इस चीज को छोड़ देते हैं। तो इसीलिए किसी ने पूछा कि देश का वेद प्रचार हो किस तरह, गुरुकुल बना के देश में बतला दिया के यूं। पूछा किसी ने देश में अछूतों का उद्धार हो किस तरह, शुद्धि चला के देश में बतला दिया के यूं। पूछा किसी ने कौम का उद्धार हो किस तरह, तन मन लुटा के देश में बतला दिया के यूं। मरते हैं कैसे सूरमा मैदाने जंग में,
मरते हैं कैसे सूरमा मैदाने जंग में, सीने पे खा के गोलियां, सीने पे खा के गोलियां, बतला दिया के यूं। ये स्वामी श्रद्धानंद महाराज जी का जीवन बोलता है और उन्हीं की ही इन पंक्तियों को दोहराते हुए मैं एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, स्वामी श्रद्धानंद प्यारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, तन मन धन जिसने इस देश पे वारा है, ईश्वर के दीवाने ने, ऋषिवर के दीवाने ने गुरुकुल खोल दिया उसके मस्ताने ने, गुरुकुल खोल दिया उसके मस्ताने ने, धन माल सभी अपना, धन माल सभी अपना, आर्य समाज को दिया साकार किया सपना, स्वामी दयानंद प्यारा है। अगली पंक्तियां हैं, दुश्मन बेईमान हुआ, दुश्मन बेईमान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ, स्वामी श्रद्धानंद का था अमर बलिदान हुआ, वह काम किया उसने, वह काम किया उसने, पथिक जाति गिर जाती बस थाम लिया उसने, पथिक जाति गिर जाती बस थाम लिया उसने। ईश्वर करे हम सब स्वामी श्रद्धानंद जी के बताए हुए वेद मार्ग पर अपने जीवन को सफल करने वाले बने। और मुझे एक बात बताते हुए बहुत गौरव अनुभव हो रहा है कि स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म भी 22 फरवरी को हुआ था और मेरा जन्मदिन भी उसी 22 फरवरी को हुआ है। मैं चाहती हूँ कि मैं भी श्रद्धानंद की तरह नेक कार्य करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूं। धन्यवाद। भाई जी आपका माइक बंद बंद। हाँ कब बंद हुआ ये? धन्यवाद जी। मेरी आवाज आ रही है? भाई जी आपकी आवाज नहीं आ रही। अनिल जी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट से। आवाज नहीं आ रही है, जुड़ रहे हैं दोबारा।
हाँ जी आ रही आवाज अब। हाँ जी आ गई। बहुत ही हर्ष की बात है कि स्वामी सुवेदर जी सांसद सीकर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के जो मुख्य अतिथि हैं। तो एक भजन और करा लेते हैं राजश्री यादव जी का और संगीता आर्य जी का, फिर स्वामी जी का उद्बोधन होगा ताकि कुछ लोग और जुड़ जाए। तो पहले मैं राजश्री यादव जी से प्रार्थना करूंगा एक गीत, उसके बाद संगीता आर्य जी, फिर स्वामी सुवेदर जी का और जसवी उद्बोधन होगा। राजश्री यादव जी आप सुनाइए। सभी को सादर नमस्ते। मैं भी एक स्वामी सिद्धानंद जी का भजन बोलना चाह रही थी। वे तो मरण मोल ना डरते जिन्होंने धर्म कमाया जी, वे तो मरण मोल ना डरते जिन्होंने धर्म कमाया जी, वे अपनी जान करें बलिदान धर्म पर प्राण गवाया जी, वे अपनी जान करें बलिदान धर्म पर प्राण गवाया जी। स्वामी सरदानंद जी प्यारे अपने प्राण धर्म पर वारे, स्वामी सरदानंद जी प्यारे अपने प्राण धर्म पर वारे, आओ मिलकर गाएं सारे के जीवन अमर बनाया जी, आओ मिलकर गाएं सारे के जीवन अमर बनाया जी। सदानंद का दिवस मनाइए, शुद्धि करिए और कराइए, सदानंद का दिवस मनाइए, शुद्धि करिए और कराइए, बिछड़े भाई गले लगाइए सबसे प्रेम सिखाया जी, बिछड़े भाई गले लगाइए सबसे प्रेम सिखाया जी। सच्चे गुरु के सच्चे चेले छोड़े गृहस्थी के सभी झमेले, सच्चे गुरु के सच्चे चेले छोड़े गृहस्थी के सभी झमेले, धर्म हित कष्ट अनेको झेले, धर्म से प्रेम दिखाया जी, धर्म हित कष्ट अनेको झेले, धर्म से प्रेम दिखाया जी। गुरुकुल जंगल में था बनवाया, वेद विद्या का वृक्ष लगाया, गुरुकुल जंगल में था बनवाया, वेद विद्या का वृक्ष लगाया, अविद्या और अंधकार मिटाया जी, ज्ञान का दीप जलाया जी, अविद्या और अंधकार मिटाया जी, ज्ञान का दीप जलाया जी। सत्य पुजारी थे अभ्यासी, वकालत छोड़ बने सन्यासी, सत्य पुजारी थे अभ्यासी, वकालत छोड़ बने सन्यासी, खोला गुरुकुल हुए वनवासी के पूरा त्याग दिखाया जी, खोला गुरुकुल हुए वनवासी के पूरा त्याग दिखाया जी। देश पर जब थे संकट छाए, अंग्रेजों ने जुलम थे ढाए, देश पर जब थे संकट छाए, अंग्रेजों ने जुलम थे ढाए, नेता बनकर आगे आए के सीना तान दिखाया जी, नेता बनकर आगे आए के सीना तान दिखाया जी। जात पात को मिथ्या बताया, ऊंच नीच का भेद हटाया, जात पात को मिथ्या बताया, ऊंच नीच का भेद हटाया, वृथा जीवन अभिमान हटाया, सच्चा पथ अपनाया जी, वृथा जन्म अभिमान हटाया, सच्चा पथ अपनाया जी। वेद धर्म का था मतवाला, जाति देश का था रखवाला, वेद धर्म का था मतवाला, जाति देश का था रखवाला, नेता था वह आला, सेवक ने गुण सारा गाया जी, नेता था वह सबसे आला, सबने उसका गुण गाया जी। वे तो मरण मूल ना डरते जिन्होंने धर्म निभाया जी,
वे तो मरण मूल ना डरते जिन्होंने धर्म निभाया जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशीष यादव जी। आप गीता रे जी एक भजन, उसके बाद स्वामी सुरेंद्र जी सांसद शेखर का जैसी उद्बोधन होगा एक ही तौर। कुछ लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, आइए से गीता नमस्ते भाई साहब, नमस्ते जी, नमस्ते जी बरदुल जी, आपका स्वामी जी के बाद होगा। संगीता आर्य जी आ जाए। नमस्ते जी, नमस्ते जी, स्वागत, धन्यवाद जी। हमारी संगीता जी नहीं है। अच्छा नहीं है, चलो बिंदु बता जी आप तैयार है तो आप सुना लीजिए फिर स्वामी जी। मैं सुनाऊ? नमस्ते जी, बिंदु बदान बोल। नमस्ते अनिल जी, नमस्ते जी। मैं एक श्रद्धानंद जी कई भजन सुना रही हूँ। कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी सदानंद सन्यासी। 23 दिसंबर आया शत्रु ने वार चलाया, 23 दिसंबर आया शत्रु ने वार चलाया, धरती हो गई लहू लुहान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, धरती हो गई लहू लुहान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी। सीने पर गोली खाई निज तन की भेंट चढ़ाई, सीने पर गोली खाई निज तन की भेंट चढ़ाई, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी। शुद्धि की रीति चलाई भारत की शान बढ़ाई, शुद्धि की रीति चलाई भारत की शान बढ़ाई, जागी ऋषियों की संता स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, जागी ऋषियों की संतान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी। गोरों से ना घबराए सीना खोल अगाड़ी आए, गोरों से ना घबराए सीना खोल अगाड़ी आए, यही है वीरों की पहचान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, यही है वीरों की पहचान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी। गुरुकुल भी खोल दिखाया समता का पाठ पढ़ाया, गुरुकुल भी खोल दिखाया समता का पाठ पढ़ाया, जग से मिटा दिया अज्ञान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, धरती हो गई लहू लुहान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, दे गए जनहित अपनी जान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, जागी ऋषियों की संतान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, यही है वीरों की पहचान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी, कर गए प्राणों का बलिदान स्वामी श्रद्धानंद सन्यासी। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बिंदु बदान जी, आप सभी आर्य बंधुओं का
स्वामी शारदा जी के 94वें बलिदान दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत मैं अभिनंदन करता हूँ। आर इस वक्त प्रसाद विहार के प्रधान डीपी परवार जी जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कार्यरत है वो भी आज कार्यक्रम देख रहे हैं। मैं डीपी परवार जी का स्वागत करता हूँ। अब मैं स्वामी सुभेदार जी महाराज जो आर्य परिषद के आर्य दल के प्रभावी शिक्षक रहे, हिसार आदि अनेकों क्षेत्रों में युवकों का निर्माण किया, आज सांसद है और सार्थी शिक्षा के भी आप कार्यकर्ता प्रधान रहे। बिंटोर और समाज जब तोड़ी गई तो उस समय भी आप सुदोलन के अंदर एक अग्रणी नेता बन के उभरे। तो मैं स्वामी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आधे घंटे के लिए अपना ओजस्वी मार्गदर्शन उद्बोधन स्वामी श्रद्धा जी को श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे। स्वामी सुभेदार जी महाराज आपका स्वागत है। स्वामी जी माइक ऑन कर लो, माइक बंद है आपका। स्वामी जी आपका माइक बंद है। सौरभ जी आप खोल सकते हो, खोल दो। चालू हो गया, आवाज आ रही है। चालू हो गया, स्वागत है स्वामी जी आधे घंटे के लिए। ओम यो भूतम च भव्यम च सर्वम यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केंद्रीय आदि परिषद के माननीय अध्यक्ष भाई अनिल जी और आज इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी सम्मानित आचार्यों, आज स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस है। आर्य समाज में कुछ एक इस प्रकार के व्यक्तित्व हुए जिन्होंने न केवल आर्य समाज को अपितु देश को एक नई दिशा और दशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती के पश्चात महर्षि के कार्यों को धरातल पर लाने का काम यदि किसी व्यक्तित्व ने किया वो स्वामी श्रद्धानंद जी थे। उस नई पीढ़ी में स्वामी श्रद्धानंद गुर्जर विद्यार्थी लाला साईदास महात्मा हंसराज जैसे जो महान व्यक्तित्व थे उन्होंने आर्य समाज को एक नई दिशा दी, गति दी और आर्य समाज को स्थापित किया। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन को जब हम पढ़ते तो हर पहलू को जब हम देखेंगे, प्रत्येक दृष्टिकोण से उनके जीवन को देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए वे प्रेरणा स्रोत हैं। हम यदि एक आदर्श गृहस्थ के रूप में देखेंगे तो गृहस्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। एक न्यायिक के रूप में देखेंगे तो वकीलों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। यदि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को हम एक शिक्षाविद के रूप में देखेंगे तो प्रत्येक शिक्षक के लिए प्रबंधन की दृष्टि से देखेंगे तो आजकल के जितने भी लोग मैनेजमेंट में लगे हुए उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश की आजादी की लड़ाई में भी उनकी बहती भूमिका थी। वर्तमान समय में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वो उनके लिए भी प्रेरणा प्रद है। आप इस बात को जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बाल्यकाल को जब हम देखते हैं, उनकी आत्मकथा, उनकी ऑटोबायोग्राफी को जब हम पढ़ते हैं, कल्याण मार्ग का पथिक, तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अपने जीवन की कोई बात छिपाई नहीं, तो सत्य उनके जीवन के अंदर फूट फूट के भरा हुआ था, उसको आत्मसात किया था। नहीं तो प्राय जब आदमी अपनी आत्मकथा या अपने बारे में कुछ लिखता है तो अपने अच्छाइयों को तो प्रकट करता है, अपनी कमजोरियों को प्रकट नहीं कर पाता। और जब तक किसी व्यक्ति को ये पता नहीं लगता है कि इस व्यक्ति के जीवन में कमियां थी तो जिन लोगों के जीवन में दोष होते हैं वो उसको अपना प्रेरणा स्रोत नहीं मान पाते। तो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने जीवन के सभी वो पहलू लिख डाले। बचपन में, युवावस्था में उनके जीवन में जो कमजोरियां थी, व्यस्त जीवन के अंदर भी उनके अंदर जीवन में जो कमियां आई, वो सारी की सारी बातें उन्होंने अपनी ही लेखन से लोगों के सामने उपस्थित कर दी। और विशेष तौर से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती से, महर्षि दयानंद से जब वो मिले तो उनका जो उल्लेख किया
बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब उनके पिता श्री बरेली में सर्विस करते थे और वो कॉलेज में पढ़ते थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि विभिन्न मंदिरों के अंदर, मठों के अंदर, गिरजाओं में जाकर के मैंने वाकई पुजारियों की, पंडितों की और लोगों की जो लीलाएं देखी, उन लीलाओं को देख करके, उनके घटनाक्रम को देख करके, उनके गृह कार्यों को देख करके धर्म के प्रति एक आस्था भाव पैदा हो गया और ये नास्तिक बन गए। और चूंकि उनके सामने कोई धर्म की बात आती थी तो उनके अंदर श्रद्धा का भाव नहीं बन पाता था। उनके पिताजी को जब ये आभास हुआ कि मेरा बेटा नास्तिकता की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने जब स्वामी दयानंद सरस्वती वहां पर आए और स्वामी जी के व्याख्यानों की व्यवस्था में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उनको वहां पर लगाया गया, तो उन्होंने स्वामी जी के व्याख्यान सुनने के बाद में ये विचार किया कि यदि इस महामानुभाव के, महाव्यक्तित्व के व्याख्यान को यदि मेरा पुत्र सुनेगा तो हो सकता है कि उनके जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनके पिता श्री ने जब अपने पुत्र मुंशी राम से कहा कि बेटे दयानंद सरस्वती नाम के एक पंडित आए, आप उनका व्याख्यान सुनेंगे तो हो सकता है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाए, तो स्वामी श्रद्धानंद जी खुद अपनी लेखनी से लिखते हैं कि जब मेरे पिताजी ने यह कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती नाम के पंडित आए हैं, सन्यासी हैं, विद्वान हैं, आप उनका व्याख्यान सुनने के लिए चले, तो वो कहते हैं कि मेरी उसमें कोई किसी प्रकार की इच्छा नहीं थी, परंतु क्योंकि मैं एक पिता का आज्ञाकारी पुत्र था और पिता के आदेश को टाल नहीं सका, तो पिता के आदेश को मानते हुए वो स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रवचन में चले गए। और वो लिखते हैं कि मैं पीछे पीछे सबसे पीछे बैठा, सबसे पीछे जाकर के बैठा तो देखा कि मंच के ऊपर एक बहुत ही दैदीप्यमान व्यक्तित्व है। जब वो आए, मंच के ऊपर आए, तो कहते हैं कि एक बहुत मस्तक उनका ललाटवान मस्तक था और एक बहुत ही ताकतवर व्यक्तित्व के धनी थे। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, फेस इज ए साइन बोर्ड, व्यक्ति का व्यक्तित्व है व्यक्ति को, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, प्रथम प्रभाव जो होता है वो अंतिम होता है, व्यक्ति को बहुत इंप्रेसिव करता है, बहुत प्रभावित करता है। महर्षि दयानंद के व्यक्तित्व ने मुंशी राम को प्रभावित किया। और फिर वो कहते हैं कि फिर मैंने देखा कि मंच के ऊपर बड़े अधिकारी बैठे हैं। हमारे आर्य समाज के लोग कई बार जब हम राजनीतिक लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं तो कई बार टीका टिप्पणी करते हैं कि देखो ये बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, नेताओं को बुलाते हैं, उनकी चापलूसी करते हैं, उनको मालाएं पहनाते हैं। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी खुद इस बात को लिखते हैं कि जब मैंने मंच पर कलेक्टर को देखा, बड़े बड़े रईस लोगों को देखा, तो मेरे मन में ये भाव आया कि जो अंग्रेज अधिकारी आकर के जिनके व्याख्यानों को सुनते हैं तो व्यक्ति कोई बड़ा होगा, तो मंच के ऊपर और मंच के सामने आपके कार्यक्रम में कैसे लोग बैठे हैं, किस कैटेगरी के लोग बैठे हैं, किस प्रतिभा के धनी लोग बैठे हैं, इसका प्रभाव भी सामान्य श्रोता के ऊपर पड़ता है। इसकी बात स्वामी श्रद्धानंद ने खुद लिखी है। और फिर कहते हैं कि उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद के मंत्रों का पाठ किया, वो उनका जो शुद्ध उच्चारण और ओजस्वी वाणी थी मुझे उसने प्रभावित किया, और इतना प्रभावित किया कि मैं उस ध्वनि को, उस वेद वाणी को आज भी जब मेरे कानों में गूंजती है तो मैं बहुत ही प्रभावित होता हूं। तो उस समय जब स्वामी जी का व्याख्यान हुआ तो व्याख्यान को सुन करके वो प्रभावित हुए। मुंशी राम जी लिखते हैं कि मैं आया था तब सबसे पीछे था और स्वामी दयानंद का व्याख्यान सुनते सुनते मैं अगली पंक्ति में बैठा था। धीरे धीरे वो लोगों को चीरते हुए आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए और मंच के समीप चले गए। महर्षि दयानंद सरस्वती की एक पद्धति रही है कार्यक्रमों की, व्याख्यान की, प्रचार की, कि वो केवल मात्र व्याख्यान देकर के चले नहीं जाते थे। आजकल प्राय हमारे व्याख्यानों में यही होता है, हम भाषण झाड़ के चले जाते हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती क्या करते थे कि व्याख्यान के बाद शंका समाधान करते थे। उनके व्याख्यान के पश्चात उससे संबंधित यदि किसी व्यक्ति को कोई शंका होती थी तो उसका शंका समाधान करते थे। उस दिन भी यही हुआ। महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि भाई किसी व्यक्ति को यदि आपके विषय के संदर्भ में, आज के विषय के बारे में कोई चर्चा करनी है तो प्रश्न पूछना पूछे। तो स्वामी श्रद्धानंद के मन में तो अनेक प्रकार के प्रश्न बैठे हुए थे, उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी
और महर्षि दयानंद सरस्वती मुस्कुराते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर देते रहे। अंत में मुंशी राम जी ने कहा कि महाराज अब मेरे पास कोई प्रश्न तो शेष नहीं रहा, परंतु ईश्वर के प्रति मेरा विश्वास नहीं बन पाया है। तो मुंशी राम जी कहते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत ही भावपूर्ण शब्दों में कहा कि मुंशी राम जी मैंने आपके प्रश्नों का उत्तर दिया है, ईश्वर पर विश्वास तो ईश्वर की कृपा से ही होगा। और स्वामी श्रद्धानंद जी अंतिम समय में लिखते हैं कि आज मुझ पर ईश्वर की पूरी कृपा है, महर्षि दयानंद के जो शब्द थे उन शब्दों के माध्यम से आज मैं परमात्मा का पूर्णतः कृपा पात्र हूं। तो ये घटना उन्होंने लिखी कि उनकी जिज्ञासा भाव कितना है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज सुबह घूमने के लिए जाते थे, वो लिखते हैं कि मैं पीछे पीछे गया दूर तक, लेकिन वो इतने तेज दौड़ते थे कि मेरी आंखों से ओझल हो गए। तो जिज्ञासा भाव उनमें कितना था। आज किसी व्यक्ति को हम जब अपना आते हैं किसी रूप में, तो उसके प्रति कितनी प्रकार की उनके अंदर जिज्ञासा भाव था, कितनी छावनबीन उन्होंने की थी। तो ये मैंने इसलिए इस विषय का आज प्रसंग का उल्लेख किया कि स्वामी श्रद्धानंद महर्षि दयानंद सरस्वती से किस प्रकार प्रभावित हुए, किस प्रकार इम्प्रेसिव हुए। हम भी अपनी संतानों को, कई बार हमारे बच्चे ये कहते हैं कि मैं इस विषय में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, लेकिन वो प्राय माता पिता की बात को मानते हैं। तो हम यदि उनको इस प्रकार के आयोजनों में, इस प्रकार के कार्यक्रमों में लेकर के जाएंगे, तो हो सकता है स्वामी श्रद्धानंद की तरह से ही उन बच्चों के मानस के अंदर भी परिवर्तन आ जाए और उनके जीवन में जो किसी प्रकार की शंकाएं हैं उन शंकाओं का निराकरण हो सके। इसके साथ ही मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहूंगा, त्याग की भावना। ये तो थी जिज्ञासा की भावना। दूसरी, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज में त्याग की प्रवृत्ति कितनी थी। जब उनके सामने आर्य प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव रखा, पहले तो सभा के सामने उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि मैं गुरुकुल खोलना चाहता हूं, लेकिन आर्य प्रतिनिधि सभा में यह प्रस्ताव गया तो आर्य प्रतिनिधि सभा ने उस समय उनके सामने प्रस्ताव रखा और वो राशि थोड़ी नहीं थी। आज की तारीख में यदि इतनी बड़ी रकम किसी व्यक्ति को बता दी जाए तो वो कागज पन्ना फेंक करके घर जाकर के बैठ जाएगा कि आर्य समाज वालों का, आर्य प्रतिनिधि वालों का दिमाग खराब हो गया, कहां से आएगा इतना पैसा। उस समय आर्य प्रतिनिधि ने कहा कि कम से कम 30,000 रुपया आप संग्रह करके लाएं, तब तो गुरुकुल खोलने की बात करो। उस समय का 30,000 रुपये का मतलब है आज का 3 करोड़ रुपया। आज यदि किसी आर्य समाज के कार्यकर्ता को, आर्य समाज के व्यक्ति को ये कह दिया जाए कि तुम 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करके लाओ, फिर हमें संस्था खोलने की अनुमति देंगे, वो केवल अनुमति तो चाहते थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने सिर झुका करके कहा कि ठीक है मैं इस काम को करूंगा। और किस संकल्प के साथ में वो उस बात के लिए निकले, यानी घर से निकले तो ये संकल्प करके निकले कि मैं ये रुपया लेकर के ही वापिस आऊंगा, जब तक ये ऐसा पूरा नहीं हो जाएगा तब तक जलंधर की धरती पर पैर नहीं रखूंगा, ये संकल्प लेकर के आए। और इसके बीच में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई। मैं श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि शायद क्योंकि आप भी तो सभी बहुत अच्छे श्रोता हैं और बहुत सारी घटनाएं आपके सामने आती रहती हैं, जब वो पंडित लेखराम जी के पास पहुंचे, गए थे मिलने के लिए, लेखराम जी तो उसमें संसार में थे नहीं, चले गए थे, शहीद हो गए थे, उनकी पत्नी थी और उनकी पत्नी को स्वामी श्रद्धानंद जी महात्मा मुंशी राम जी अपनी बहन मानते थे, धर्म बहन बना रखा था। जब वो बहन के पास गए और बहन ने अपने भाई की एक विचित्र स्थिति को देखा कि दाढ़ी बड़ी हुई है, कपड़े धोए हुए नहीं है, अस्त व्यस्त वातावरण है, पूछा कि भाई आप ऐसे कैसे। तो उन्होंने फिर उस अपने संकल्प को बताया कि मैंने संकल्प ले लिया है कि मैं इतना रुपया इकट्ठा करके लाऊंगा। तो पूछा कि रुपया कितना अभी और करना है आपको, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि इतना रुपया करना है, तो पंडित लेखराम की पत्नी अंदर गई और अपने कुछ आभूषण लेकर के आई, कुछ रुपया उनके पास संकलित था वो लेकर के आई, जो पेंशन मिलती थी उनको पंजाब प्रतिनिधि सभा ने पंडित लेखराम की पत्नी की कुछ पेंशन निर्धारित कर दी थी, कुछ रुपया लेकर के आई और अपने जेवर लेकर के आई और स्वामी श्रद्धानंद जी की झोली में डाल करके कहा कि इस छोटी सी भेंट को आप स्वीकार करें। और बंधु वो ये घटना पंडित बुद्ध विद्यालंकार जी के माध्यम से हमने सुनी। पंडित बुद्ध विद्यालंकार कहते थे
कि उनकी लेखराम जी की पत्नी ने जो पैसा दिया उसको उन्होंने अलग से कोष में स्थापित कर दिया और उसमें से छात्रवृत्ति दिया करते थे। तो वो कहते थे कि ये बुद्धदेव विद्यालंकार उस छात्रवृत्ति से पढ़ा है जो छात्रवृत्ति पंडित लेखराम की पत्नी ने दी थी। तो इसमें आप लेखराम के त्याग को भी देखिए, उनकी पत्नी को त्याग को भी देखिए, और स्वामी श्रद्धानंद का एक शहीद की पत्नी के प्रति प्रेम भाव देखिए कि उन्होंने एक निधि स्थापित की और उस निधि से वो छात्रवृत्ति दिया करते थे। जब ये पैसा इकट्ठा हो गया तो उन्होंने दिया और उसके बाद में फिर गुरुकुल की स्थापना हुई। आप सबको पता है घर बार छोड़ करके सब कुछ छोड़ने के बाद में वो गुरुकुल में चले गए और गुरुकुल में जाने के बाद लोगों की आदत होती है, आजकल बड़े बड़े लोगों को सभी को लोग टीका टिप्पणी करते हैं, स्वामी श्रद्धानंद पर भी टीका टिप्पणी किया करते थे। जब स्वामी श्रद्धानंद जी ये अपील करते हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुलों में भेजो तो लोग बच्चे गुरुकुलों में भेजते थे उस समय, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय आजकल की तरह से यूनिवर्सिटीज की तरह से मान्यताएं तो थी नहीं, वो तो अध्ययन करते थे और परीक्षाएं देते थे। लोग कहते थे ये खुद तो बाबा जी बन गया, हमारे बच्चों को बाबा जी बनाना चाहता है, हम क्यों भेजें। तो स्वामी श्रद्धानंद जी के ऊपर ये आक्षेप आता था कि इनके बच्चों के लिए तो प्रेस है, कोठी है और दूसरी चीजें हैं। तो उन्होंने एक दिन एक कागज के ऊपर ड्राफ्ट तैयार किया और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद में इंद्र विद्या वाचस्पति जी ने इस घटना को मेरे पिता नाम की जो उनकी जीवनी है उसमें लिखा है कि मेरे पिताजी एक कागज लेकर के, एक स्टाम्प लेकर के उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था और हम दोनों भाइयों के पास आए, हरीश के पास और मेरे पास, और आकर के कहा कि तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो। तो वो कहते हैं कि हमने पूछा तक नहीं कि तुम किस चीज पर हस्ताक्षर करवा रहे हो, और उन्होंने उस सारी संपत्ति के ऊपर हस्ताक्षर करवा करके और वो कोठी और वो प्रेस सारी की सारी संपत्ति गुरुकुल को दान दे दी। और उसके बाद में वो जब सभा में गए, गुरुकुल के उत्सव में गए और गुरुकुल के उत्सव में जाकर के उन्होंने घोषणा की, तो उस समय के कुछ श्रोताओं ने हमें बताया कि हर व्यक्ति के आंखों में अश्रु थे, और अश्रु इस बात के लिए थे कि खुद तो सन्यासी बन गए और वो जो दो बच्चे हैं उन बच्चों के पास आज कुछ भी नहीं है, एक नया पैसा नहीं है उनके पास, कोई संपत्ति नहीं, जायदाद कुछ भी नहीं है, इसने उनको भी फकीर बना दिया। तो ये त्याग उनके जीवन का था, और उस त्याग के बाद में फिर उन्होंने विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी को जिस प्रकार से खड़ा किया, जिस प्रकार के स्नातक निकले, हम अगर साहित्यिक जगत से देखेंगे तो साहित्य में आपको अनेक विद्यार्थी इस प्रकार के मिलेंगे जिन्होंने साहित्य जगत में बहुत बड़ा काम किया। पत्रकारिता के क्षेत्र में देखेंगे, देशभक्ति के क्षेत्र में देखेंगे, उनके उनके खुद के पुत्र हरिश्चंद्र जो विदेश पढ़ने के लिए गए लेकिन विदेश से वापस नहीं आए, देश की आजादी के अंदर काम में आए और आज तक उनके बारे में कोई पता ही नहीं लगा कि वो कहाँ गए, तो अपना बेटा बलिदान दे दिया। दूसरे इंद्र विद्या वाचस्पति थे, वो उस समय के देश के प्रमुख पत्रकारों में से थे, उन्होंने स्वयं जेलें काटी, देश के लिए यातनाएं सहन की, कष्ट उठाए, तो पूरा का पूरा परिवार न केवल मात्र खुद बल्कि दोनों बेटे देश के काम आए, उन्होंने देश के लिए काम किया। तो इसको कहते हैं सर्वमेद यज्ञ, यानी अपना सर्वस्व लुटा करके सर्व कुछ देने के बाद भी उन्होंने इस काम को किया। इसके बाद में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपने आप को उतारा। राजनीतिक क्षेत्र में जब उतरे 1919 में जब जलियांवाला कांड हुआ, और जलियांवाला कांड के बाद में कांग्रेस का अधिवेशन होना था अमृतसर में, वहां पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उस सम्मेलन को कोई करवा सके, अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिए थे क्योंकि जलियांवाला कांड जैसा कांड अमृतसर में हो चुका था, हजारों की संख्या में लोग मारे जा चुके थे, ऐसी परिस्थिति में लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की हिम्मत नहीं थी कि अमृतसर में वो कार्यक्रम कर सकें। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को उस कांग्रेस के अधिवेशन का स्वागताध्यक्ष बनाया गया, और आपको आश्चर्य होगा कि 5000 डेलीगेट उस सम्मेलन में आने थे, सभी धर्मशालाओं पर, सभी होटल्स पर, सभी सार्वजनिक स्थानों पर बैन कर दिया गया था कि इनको यहाँ पर रोका नहीं जाएगा। आप सोच सकते हैं अगर आज हमारी आर्य समाज में कहीं 2-3 सन्यासी या वानप्रस्थ या उपदेशक आ जाते हैं तो हम होटल की तरफ देखते हैं, हम इधर उधर झांकने का प्रयास करते हैं कि इनकी व्यवस्था कैसे होगी, इनका प्रबंधन कैसे होगा,
लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की निष्ठा और प्रबंधन के विषय को जब हम देखते हैं तो 5,000 लोगों को उन्होंने लोगों के घरे में ठहराया, कांग्रेस के 5,000 डेलीगेट्स को घरों में ठहराया और कार्यक्रम का समापन हुआ जिसमें उद्घाटन हुआ। उस उद्घाटन के समय में मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, उद्घाटन के समय में पार्लियामेंट में भी मैंने एक बार इस विषय को उठाया था, कांग्रेस के अधिवेशन में 1885 से लेकर के और 1920 तक सारी की सारी कार्यवाही जो कांग्रेस की थी वो अंग्रेजी में चलती थी। अगर हिंदी में कोई भाषण हुआ हो तो पहला भाषण स्वामी श्रद्धानंद जी का हुआ था। 35 साल के बाद कांग्रेस के इतिहास में यदि कोई हिंदी में भाषण हुआ तो स्वामी श्रद्धानंद का था, इसलिए कांग्रेस के अंदर हिंदी को प्रवेश कर दिलवाने वाले व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति थे तो स्वामी श्रद्धानंद थे। इसलिए मैं कांग्रेस के लोगों को कहा करता हूँ, खासतौर से उत्तर भारत के कांग्रेस के और पश्चिम भारत के लोग कांग्रेस के लोगों को, कि तुम्हें स्वामी श्रद्धानंद का एहसान मानना चाहिए कि इस अंग्रेजी कांग्रेस को उन्होंने देसी कांग्रेस बनाया, विदेशी कांग्रेस को देसी कांग्रेस बनाया और हिंदी को लेकर के आए, हिंदी में भाषण प्रारंभ हुए, आम आदमी की कांग्रेस हुई और वहां कांग्रेस के मंच से भी जब उन्होंने हिंदी में भाषण प्रारंभ किया तो मोतीलाल नेहरू ने उनको टोका कि हमारे यहाँ तो हिंदी में नहीं बोलते हैं, कांग्रेस में बोलते हैं। तब स्वामी श्रद्धानंद ने एक बात कही थी कि मेरे सामने जो 5,000 डेलीगेट बैठा है, इन 5,000 डेलीगेट्स के अंदर 10% लोग अंग्रेजी नहीं जानते हैं, आपने इनको क्या केवल मात्र प्रदर्शनी के लिए बुलाया है? तो हिंदी को स्थापित करने वाले अमृतसर के अंदर जलियांवाला कांड के बाद में इतना बड़ा सम्मेलन करने वाले अगर कोई व्यक्ति थे तो स्वामी श्रद्धानंद थे। इसके साथ में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि स्वामी श्रद्धानंद जी धार्मिक क्षेत्र के अंदर उतरे, शुद्धि का मूवमेंट उन्होंने प्रारंभ किया। आज हमारे सामने कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई है, कहीं लव जिहाद का विषय आता है, कहीं सीए के खिलाफ विरोध का विषय आता है, मेवात के अंदर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे, बंगाल के अंदर आप देखेंगे, किस प्रकार से देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं और वो हमारे लिए संदर्भ बने हुए हैं, नासूर बने हुए हैं। स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय इस बात को सोचा था कि यदि हम इन अपने भाइयों को अपने अंदर समाहित कर लें और ये पानीपत के आसपास के शामली, पानीपत, मेरठ, इसके आसपास के 50 गांवों को जहां पर मूले जाट थे, मुसलमान जाट थे, उनको स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने सबको शुद्ध किया, उनको शुद्ध किया और आज वहां की पीढ़ियां जानती नहीं है कि कभी मुसलमान भी थे। तो शुद्धि मूवमेंट प्रारंभ किया और सारे देश में आज से वो संघ के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और भी कोई लोग हैं, जितने भी लोग यदि इस काम के अंदर कहीं लगे हुए हैं तो उनका मूल प्रेरक यदि कोई व्यक्ति है, इस विषय को देने वाला कोई व्यक्ति है, वो स्वामी श्रद्धानंद थे, जिन्होंने एक नया इतिहास प्रारंभ किया, लोगों के अंदर नई प्रेरणा दी, नई दृष्टिकोण से उनको प्रारंभ किया और उसका आप जानते हैं उसका परिणाम क्या हुआ, कितना उनके प्रति लोगों के प्रति उनमें आस्था भाव था कि एक व्यक्ति आता है और आकर के कहता है, बीमार होने के बावजूद भी, अस्वस्थ होने के बावजूद भी एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैं स्वामी जी के हाथों से शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं कुरान शरीफ के ऊपर कुछ मेरे विषय हैं उनका शंका करना चाहता हूँ। उनके सेवक धर्मपाल जी और दूसरे लोग को उन्होंने मना भी किया कि नहीं, अभी स्वामी जी अस्वस्थ हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज के शब्द क्या थे कि भाई आने दो, पता नहीं इस जीवन का भरोसा नहीं है कब चला जाए, मैं चलता चलता एक व्यक्ति को और शुद्ध करके चला जाऊं। यानी अंतिम श्वास के समय भी स्वामी श्रद्धानंद का भाव ये था कि मैं और किसी न किसी व्यक्ति को, एक दो व्यक्तियों को आर्य समाज के अंदर, वैदिक धर्म के अंदर दीक्षित करता चला जाऊं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आर्य समाज के प्रत्येक बहन भाई को प्रत्येक दृष्टिकोण से स्वामी श्रद्धानंद जी को अपने जीवन में अंगीकार करना चाहिए। क्या हम वानप्रस्थ नहीं बन सकते? क्या हम संन्यास की दीक्षा नहीं ले सकते? क्या हम अपने धन में से कुछ दान नहीं दे सकते? क्या शुद्धि मूवमेंट को हम आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या गुरुकुल शिक्षा पद्धति को हम पलवित पुष्पित नहीं कर सकते? क्या साहित्य के क्षेत्र के अंदर हम काम नहीं कर सकते? अब अंत में आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा सभी भाइयों को कि 2026 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बलिदान को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उससे पहले 2024 के अंदर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के बलिदान को 200 साल हो जाएंगे। 2025 में आर्य समाज की स्थापना को 100 साल, आर्य समाज स्थापना को 150 साल हो जाएंगे और 2027 में रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान को 100 साल हो जाएंगे। बंधुओं, जो भी श्रोता मुझे आज सुन रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, ये 4 साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे।
लेकिन चार साल, जब चार साल आने पर यदि हमने कुछ किया तो कुछ नहीं कर पाएगा। आज से ही हम संकल्पबद्ध होकर के इन चारों कार्यक्रमों की तैयारी में जुट जाएं। पहला कार्यक्रम हमारे सामने आएगा 2024 में स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती के 200 साल हो जाएंगे, और इस 200 साल के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति संकल्प ले कि मैं 200 कैसे काम कर सकता हूं। क्या मैं 200 परिवारों के अंदर हवन करवाऊंगा? क्या मैं 200 परिवारों में वैदिक साहित्य पहुंचाऊंगा? आर्य समाज तय करें कि हम 200 नए सदस्य बनाएंगे, हम 200 वानप्रस्थी बनाएंगे, गुरुकुल विचार करें कि हम 200 नए ब्रह्मचारी पैदा करेंगे। एक 200 का आंकड़ा यदि हम लेकर के चले, और मैं अनिल जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, आप अभी से तैयारी करें, हम 200 परिवारों के अंदर सत्संग करें, 200 परिवारों में यज्ञ करें, और स्वामी दयानंद के जन्मदिन के अवसर के ऊपर 201 हवन कुंड के अंदर, क्योंकि 200 तो उनके पूरे हो जाएंगे और एक प्रारंभ होगा, 201 हवन कुंड के अंदर यज्ञ किया जाए, और वो इस प्रकार के परिवार बैठे जो संकल्पबद्ध पहले से उनको तैयार किया जाए कि उस दिन वो संकल्प ले कि हम दैनिक यज्ञ करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने जिन पांच महायज्ञों का उल्लेख किया था, आज वो हमारे यहाँ से प्राय प्रलुप्त होते जा रहे हैं। तो हम याजिक परिवार, जिस तरह से महात्मा आर्य भिक्षु जी ने, महात्मा दयानंद जी ने और इन लोगों ने याजिक परिवार पैदा किए, स्वामी दीक्षानंद जी ने परिवार पैदा किए, हमें इस प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। कोई भी व्यक्ति है, आज मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं तो मैं हमेशा अपने सभी साथियों को, सांसद भाइयों को वैदिक साहित्य भेंट करता रहता हूं। मैंने माने प्रधानमंत्री जी से भी इस बारे में चर्चा की है, और भी आगे करेंगे, लेकिन आर्य समाज की ओर से चर्चा होकर के आए कि महर्षि दयानंद का जब 200वां जन्मदिन आए तो आर्य समाज क्या प्रोग्राम बनाएगा, आर्य समाज प्रोजेक्ट पैदा करे, प्रोजेक्ट तैयार करे। जिस तरह सिखों ने प्रधानमंत्री जी के सामने गुरु नानक जी के 500वें प्रकाशोत्सव के अवसर पर एक प्रोजेक्ट दिया तो उनको 500 करोड़ रुपए दिए, तो क्या हम भी कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट खड़ा कर सकते हैं, दे सकते हैं, जिसमें सरकार भी सोचे कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती के इस 200वें जन्मदिन को किस रूप में मना सकते हैं। और मैं समझता हूं कि वर्तमान में हमारे पास एक इस प्रकार के व्यक्तित्व प्रधानमंत्री के रूप में है, जिनके जीवन में दयानंद की बहुत सारी चीजें हैं, और वो उसी प्रांत से संबंध रखते हैं जहां महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ, गुजरात के ही है माने भाई नरेंद्र मोदी जी भी। तो मेरा आपसे आग्रह है, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि हम सब संकल्प होकर के 2024 की, फिर 25 आर्य समाज के स्थापना के 150 साल हो रहे उसकी, 26 में स्वामी श्रद्धानंद जी के 100 साल होंगे उसकी, और 27 में रामप्रसाद बिस्मिल के बलिदान की तैयारी हम अभी से प्रारंभ करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अभी से जुट जाना चाहिए, हमें मीटिंगें करके बैठ करके कार्यक्रम तय करना चाहिए, और मुझे मेरे लिए कोई भी काम होगा, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज मैं सांसद हूँ, तो इस सांसद के पीछे महर्षि दयानंद की कृपा है। अगर महर्षि दयानंद स्वामी ओमान जो स्वामी सर्वानंद जी महाराज जैसे महापुरुषों का मार्गदर्शन मुझे नहीं मिला होता, इन दो महापुरुषों का तो मुझे साक्षात मार्गदर्शन मिला, श्रद्धेय स्वामी ओमानंद जी और पूज्य स्वामी सर्वानंद जी महाराज का तो आशीर्वाद मैंने साक्षात लिया, और बहुत सारे सन्यासी, कितने सारे सन्यासियों का नाम गिनाऊं, सैकड़ों सन्यासियों का आशीर्वाद मुझ पर रहा, तो उनकी कृपा से आज स्वामी सुमेधानंद है। और मैं चाहता हूं कि मुझे ये मौका मिला है संसद में बैठने का, राजनीतिक दृष्टिकोण से मैं क्या लाभ दे सकता हूं, बाकी व्यक्तिगत दृष्टिकोण से भी मैंने खुद अपने कार्यक्रम तय किए हैं कि मैं इसने आने वाले 2-3 साल के अंदर किस प्रकार से महर्षि दयानंद के विषयों को लेकर के, स्वामी श्रद्धानंद रामप्रसाद बिस्मिल समाज की बातों को लेकर के पब्लिक के बीच में हम कैसे जाएं। तो मेरा आपसे आग्रह है सभी भाइयों से, और विशेष तौर से भाई अनिल जी से, उनकी पूरी टीम से, ये मुझे माने भाई अशोक चौहान जी दिखाई दे रहे हैं एनईटी से, मैं आपको भी सादर नमस्कार करता हूँ। बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट आपका है, आपके साथ में लाखों की संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आप बहुत बड़ा मार्गदर्शन दे सकते हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी के पथ पर आप शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, ये भी उनके प्रति एक बहुत बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि है। तो मेरा पुनः आप सभी भाइयों से बहुत बहुत आग्रह है, मेरे दूसरे कार्यक्रम है इसलिए मैं अनिल जी से अनुमति चाहूंगा, और आशा करूंगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम, आजकल ये कोरोना महामारी के अंदर हम वर्चुअल कार्यक्रम दे पा रहे हैं, हमारे भी सारे कार्यक्रम वर्चुअल हो रहे हैं, परंतु इससे भी बहुत सारे लोगों के बीच में हम पहुंच पाते हैं, ये विज्ञान तकनीकी का युग है,
और इस तकनीकी का लाभ उठा करके हमें अपनी बात को आगे पहुंचाना चाहिए। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमस्ते करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका बहुत आभार, धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत धन्यवाद आभार, क्योंकि स्वामी जी की व्यस्तता है। अब डॉक्टर अशोक चौहान जी आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष है, श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री निवास पर 15 साल श्रद्धा बिरला दिवस मनाते रहे आपके अध्यक्षता में। मैं चाहूंगा चौहान साहब अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन दे, इसके बाद 12:30 तक बाकी लोगों का उद्बोधन और भजनों का कार्यक्रम चलता रहेगा। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार चौहान जी अपना मार्गदर्शन देंगे, स्वागत है। अभी हमने स्वामी सुमेधानंद जी का बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग लेक्चर सुना। मैं 11 बजे से जुड़ा हुआ हूँ पर दूसरी मीटिंग में था तो मैं साइलेंटली सब देख रहा था, पर जो स्वामी सुमेधानंद जी ने बोला, एक एक शब्द उनका हमारे जीवन में उतारने के लिए बहुत आवश्यक है। जब भी उनकी स्पीच होती है पार्लियामेंट में, मैंने अपने ऑफिस में कह रखा है कि मैं किसी भी मीटिंग में हूँ जब उनकी स्पीच हो तो वो लगा के जिस कमरे मीटिंग हो रही है मैं उनको सुनूंगा। पार्लियामेंट में इनके सवालों का कोई जवाब नहीं, और जब भी ये बोलते हैं तो सबको धराशायी कर देते हैं, तो ये आर्य समाज के लिए बहुत एक प्रेरणा और एक बहुत गौरव की बात है कि हमारे इतने योग्य सांसद सीकर से बहुत बड़ी मात्रा में जीतकर दूसरी बार भी आए हैं, और ये हम सब आर्य समाजियों के लिए एक स्तंभ है जो पूरे देश की पार्लियामेंट्री मीटिंग को बताते हैं कि आर्य समाज की महत्ता क्या है, स्वामी दयानंद के संस्कारों की महत्व क्या है और स्वामी श्रद्धानंद जी। तो मैं बहुत अपनी आज प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि आज अनिल जी आपने इनको बुलाया और हम लोगों को इनको सुनने का मौका दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी में देश को बदलने की शक्ति थी, अब हमारे स्वामी सुमेधानंद जी में वही शक्ति है। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर निश्चय नहीं है, संकल्प नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और हमारे स्वामी सुमेधानंद जी का संकल्प है कि भारत को विश्व शक्ति बनाना है, और हम सब स्वामी जी आपके साथ हैं। आपके सारे उदाहरण सुने, जब श्रद्धानंद जी दयानंद जी के लेक्चर में बैठे थे तो कैसे पीछे से उठकर आगे गए, उनके बेटों के बारे में सुना, एक एक जो आपने घटना सुनाई वो हम सब अपने अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। और अनिल जी आपको और महेंद्र भाई को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आपने सबको यह सुनने का मौका दिया। अब मैं बताऊं कि मैं सुबह से उर्मिला मणिकोटा का सुन रहा था, बिमला आहूजा जी का सुना, अरुण आर्या नरूला का सुना और अनिता जी का सुना, क्योंकि मैं दूसरी मीटिंग में था पर 2-3 मीटिंग एक साथ करता हूं। तो आप सब लोगों ने बहुत ही प्रभावशाली ढंग से भजन गाए, सबके दिलों में उनके विचार उतरे, और ये जो श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, मैं मेरे ख्याल से 7-8 बार इसको अटेंड कर चुका हूँ। पहले शीला दीक्षित जी के हुआ, फिर इन्होंने मीनाक्षी लेखी जी से करवाया, और हमारे अब साहिब सिंह वर्मा जी के प्रवेश वर्मा जी क्या कराया। तो अनिल जी, ये जो आपका एक संकल्प है कि स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया जाए, इसके लिए आप बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। जो भी मेरे भाई आर्य समाजी या बहनें या माताएं जुड़ी हुई हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम आर्य समाज के विचारों पर विश्वास करते हैं। मैं तो 28 साल पश्चिमी जर्मनी में रहा और पूरे विश्व में घूमा हूँ। मैं सब जगह यही कहता था कि आर्य समाजियों के विचारों, संस्कारों और उनकी जो श्रद्धा है उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। अभी उन्होंने स्वामी सुमेधानंद जी भी कहा कि अगर हम संकल्प करें, उनके जन्म दिवस पर 2026 में था, हम लोग 201 कुंडों में हवन करें। मेरा तो रोज हवन होता है और कैंपस में हवन होता है, तो कम से कम हम लोग अब तक पिछले सालों से मिलाकर 15,000 बार हवन कर चुके हैं। तो हवन की महिमा मेरे सारे आर्य समाजी बंधु यहाँ बैठे हैं वह जानते हैं, और स्वामी सुमेधानंद जी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हवन की महिमा के बारे में बताया। तो मैं ये कहूँगा कि जो इन लोगों ने, स्वामी दयानंद जी ने बलिदान दिया है, स्वामी श्रद्धानंद जी ने बलिदान दिया है, हम उसको अपने कार्य दिन की कार्यचरणा में इम्बाइब कर लें, मिला दें। उन्होंने उनके बेटों के बारे में बताया। मेरा तो गुरुकुल कांगड़ी से बहुत ही क्लोज संबंध रहा है। मेरी माता जी ने 14 साल गुरुकुल कांगड़ी में अध्ययन किया है,
और जब मैं 1994 में जर्मनी में से आया तो गुरुकुल कांगड़ी के चांसलर साहब ने और वाइस चांसलर मुझे बुला के बड़ा भारी सम्मान दिया, तब मैं पहली बार सारा गुरुकुल देखा। ये गुरुकुल ही है जो आज ठीक प्रकार के लोग उत्पन्न कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, अमेरिका में है, यूरोप में है, मैंने सब देखा है, घूमा है, पर जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा पद्धति है, जो हमारे संस्कार है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अभी स्वामी जी ने बताया कि उनके दोनों बेटों को उन्होंने बलिदान कर दिया, तो मैं तो जो भी बैठे यही कहूँगा कि आप कितने भी सक्सेसफुल हों, सफल हों, कितने भी रिच हों, दुनिया में कुछ भी कर रहे हों या करके जाएं, पर सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम उनमें आर्य समाज के सिद्धांतों को कूट कूट कर भर कर जाएं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बार देखा है लोग बर्बाद हो रहे थे, जिन पर आर्य समाज का विश्वास नहीं था वो ख़त्म हो रहे थे, पर मैंने उनको आर्य समाज के सिद्धांत बताए तो आजकल वो जीवन में बहुत सफल हैं। तो अगर हम लोग अपने बच्चों को संस्कार दे दें तो यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता होगी। मेरे पास कई लोग आते हैं कि मैं इतना बिलियन डॉलर का बिजनेस है, मेरे इतने एम्प्लॉई हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, बहुत बहुत मेरा प्रशंसा, पर ये बताओ आप अपने बच्चों को संस्कार दे पाए कि नहीं दे पाए। कहते नहीं वो तो नहीं दे पाए, तो मैंने कहा आपका पूरा जीवन असफल है। वो कहते आज तो मैं अब ज़्यादा नहीं सुन पाऊंगा मैं, क्योंकि मैं एकदम आपने मुझे हिला दिया, मैं एक हफ्ते बाद अपनी वाइफ को और बच्चों को साथ लेकर आऊँगा। कहने लगे अब हमने शुरू कर दिया है कि बच्चों को संस्कार दे। अनिल आर्या जी आज आपका 149वां वेबिनार है, मैं सारे आपके इनविटेशन देखता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ। आप जैसे भी व्यक्ति बहुत कम पैदा होते हैं जिनमें सिर्फ एक जुनून है, एक लगन है, एक मैं कहूँगा पागलपन है कि आर्य समाज के लिए, उत्थान के लिए जो भी मेरे से आपकी बेटी से काम हो सके करते हैं। मैं तो बहुत आपके प्रोग्राम में आया हूँ, देखा है, सुना है। तो सभी आर्य समाजियों को जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं बधाई देना चाहता हूँ कि प्रभु ने हमें भारत में पैदा किया, प्रभु ने हमें ऐसे समय में पैदा किया जबकि भारत एक विश्व शक्ति होने जा रहा है। जो मेरे 175,000 स्टूडेंट हैं, जो मेरे 20 कैंपस बाहर हैं, उन सब जगह मैं यही कहता हूँ कि अगर हम आर्य समाज के सिद्धांतों पर चलें तो जो भी संकल्प लेंगे उसको कोई बदल नहीं सकता। लोग कहते हैं साहस से, साहस और संकल्प से बड़ा कुछ नहीं, जिसने वो नहीं किया वही हारा। अभी सुमिता ने जी ने यही कहा, तो हम लोग संकल्प लें कि अपने जीवन में हम स्वामी दयानंद जी के, स्वामी श्रद्धानंद जी के विचारों पर चलेंगे, अपनी संतानों को विचार देंगे, तो हमारा जीवन पूर्णतः सफल माना जाएगा। अभी हमारे महाशय जी का शांति यज्ञ करा गया था, तो उसमें भी जो प्रेरणा मिली, तो मैंने अमिटी यूनिवर्सिटी में उनके नाम से एक मेडल रखा है जो सैकड़ों साल तक उस बच्चे को दिया जाएगा, उस स्टूडेंट को दिया जाएगा जो स्वामी महेश जी के संस्कारों पे चला, उनके विचारों पर चला। तो मुझे बहुत आपको बधाई देनी है कि आप लोग आए, इसमें उपस्थित हुए और इससे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली हमारे जीवन को बदलने के लिए। स्वामी जी का विचार थे और जो भजन हमने सुने बहुत ही मार्मिक रूप से, बहुत ही प्रभावशाली रूप से, जो हमारी माताओं ने और बहनों ने और भाइयों ने भजन गाए, मैं सब सुन रहा था। 11 बजे से मैं जुड़ा हुआ हूँ, पर मुझे कई बार 4 मीटिंग एक साथ करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं सामने फोटो पे नहीं आ रहा था, पर मैंने एक एक शब्द सुना। अनिल आर्या जी एक बार फिर मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय डॉक्टर अशोक चौहान जी का, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष रहे, और स्वामी सुमेधा जी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमारे बीच में स्वामी श्रद्धानंद जी के पड़ पोते वाचस्पति जी जुड़े हुए हैं, जो हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक भी रहे। तो मैं वाचस्पति जी से अनुरोध करूंगा 2 शब्द जरूर रखे स्वामी श्रद्धानंद जी के पड़ पोते। स्वामी श्रद्धानंद जी के पड़ पोते से अनुरोध है वाचस्पति जी से कि 2 शब्द अपनी बात रखे, स्वामी जी को श्रद्धांजलि दे। वाचस्पति जी जुड़े हुए हैं क्या? अभी चले गए, चलो जुड़ते, अगर अभी जुड़े हुए थे तो
उनका लाभ लेंगे। अब कार्यक्रम 12:30 तक चलेगा। अब मैं किरण सहगल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो वैसे सुनाएगी। श्री अरज चौहान जी अगर जुड़े हो तो मैं चाहूंगा कि 2 मिनट अपना आशीर्वाद दे दे। श्री अरज चौहान जी, अरज चौहान जी दो शब्द। आनंद भाई जुड़ गए क्या? वो अनिल जी, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, एक किसी परिवार के सदस्य को थोड़ा वहाँ तकलीफ थी। ठीक है जी, उसको सवेरे चला गया, कहते आते ही मैं आके जुड़ता हूँ, पर अभी वो हॉस्पिटल गए हैं किसी को देखने के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार डॉक्टर अशोक चौहान जी का, स्वामी सुमेधर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अब श्रीमती किरण सहगल जी से प्रार्थना करता हूँ, एक भजन प्रस्तुत करे, 12:30 तक कार्यक्रम चलेगा। फिर आचार्य रविंद्र शास्त्री जी, युवा विधवा जुड़े हैं, उनका उद्बोधन वेदर भाई जी अपनी बात रखेंगे। किरण सहगल जी, किरण सहगल जी जुड़ी हुई है, चलो तब मैं बोलूं भाई सर। शुभ राम बिरदुल जी, हाँ जी, हाँ सुनाइए बिरदुल अग्रवाल जी, सुनाइए एक भजन, हाँ फिर आचार्य केवेंद्र जी। ठीक है जी, एक सुंदर भजन श्रद्धानंद जी को समर्पित करते हुए सुनाइए। वैदिक धर्म समर्पित आरी कैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आरी कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, कथनी व करनी में कोई भेद नहीं होता, निज कर्तव्य निभाते दिल में खेद नहीं होता, कथनी व करनी में कोई भेद नहीं होता, निज कर्तव्य निभाते दिल में खेद नहीं होता, जैसे अंदर हैं बाहर भी वैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, रहती है सच्चाई ऐसे इनके जीवन में, चेहरा साफ नजर आता है जैसे दर्पण में, जैसे एक रुपए में 100 पैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद जी गुरुदत्त जैसे होते हैं, परोपकार की खातिर सारा जीवन दे जाए, परोपकार की खातिर सारा जीवन दे जाए, तन मन धन से जन जन की हरते हैं पीड़ाएं, दयानंद के सच्चे सैनिक ऐसे होते हैं, दयानंद के सच्चे सैनिक ऐसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं, कठिन परीक्षा की अग्नि में आंच नहीं आती, कठिन परीक्षा की अग्नि में आंच नहीं आती, राहों में विपरीत दिशा भी रोक नहीं पाती, पथिक कहीं भी हो जैसे के तैसे होते हैं, पथिक कहीं भी हो जैसे के तैसे होते हैं, लेख राम श्रद्धानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं,
वैदिक धर्म समर्पित आर्य कैसे होते हैं, लेख राम श्वेतानंद गुरुदत्त जैसे होते हैं। स्वामी श्रद्धानंद की शुभ बलिदान दिवस पर बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद मृदुल जी। अब आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी आर्य समाज के युवा अपना उद्बोध देंगे, उसके बाद जनक जी गुड़गावा, सभी सभी को मौका मिलेगा, प्रतीक्षा कीजिए। अब आचार्य गवेंद्र शास्त्री जी 10 मिनट के लिए, फिर जनक अरोड़ा जी, उर्मिल जी, रविंद्र गुप्ता जी, सबके भजन होके आइए आचार्य गवेंद्र जी 10 मिनट के लिए। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेन सूर्या चंद्रमसा विवाह पुनर्ताग्नता जानता संगमे मही। आज की इस बलिदान स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस सभा के अध्यक्ष आर्य जगत के कोहनूर हीरा आर्य समाज के भामाशाह हमारे सम्माननीय श्री अशोक चौहान जी, और न इधर की बात करो न उधर की बात करो, महापुरुषों की जयंती मनानी हो, महापुरुषों का जन्मदिन मनाना हो, आर्य समाज को उच्च शिखर तक ले जाने वाले आर्य जगत के गौरव आर्य जगत के आर्य नेता सम्माननीय अनिल आर्य जी, महेंद्र भाई जी, उपस्थित साथियों, आज हम आर्य समाज का अतीत इतने त्यागी तपस्वी और बलिदानी महापुरुषों से भरा पड़ा है। सच्चे अर्थों में स्वामी दयानंद का कोई उत्तराधिकारी था, उनका नाम स्वामी श्रद्धानंद महाराज था। कहा कि स्वामी दयानंद के 5 परम शिष्य थे, स्वामी दयानंद के 5 परम 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 शिष्य थे, उनमें स्वामी श्रद्धानंद थे, लेख राम थे, पंडित गुरुदत्त थे, महात्मा हंसराज थे और श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। कहा कि स्वामी श्रद्धानंद महाराज कहा कि वो श्रद्धा और निष्ठा और समर्पण और प्रशंसनीय उनका जीवन था। श्रद्धानंद देश की तकदीर थे, स्वामी श्रद्धानंद का जीवन कहा कि इतना हमारे जीवन में प्रकाश एक उजाला देता है। एक अंधकार में रहने वाला व्यक्ति कहा कि जो कीचड़ में पड़ा हो और कहा कि जिसने अंधकार से जीवन को उजाला एक नई राह हम सबको दी हो, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज जो कीचड़ में पड़ा हो और कहा कि वो एक पारस के साथ मिलने से एक हीरा बन गया हो, जो स्वदेश के लिए लड़ा हो, स्वभाषा के लिए लड़ा हो, स्वसंस्कृति के लिए लड़ा हो, अरे दलितों का मसीहा था, नारियों का उद्धार करने वाला था, लोकमान तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे युग में स्वामी श्रद्धानंद ने काम किया। कहा कि स्वामी श्रद्धानंद धर्मवीर थे, स्वामी श्रद्धानंद कर्मवीर थे, अरे स्वामी दयानंद, कहा कि स्वामी श्रद्धानंद महाराज कहा कि स्वामी दयानंद के सपनों को साकार करने वाले थे। जिस समय स्वामी दयानंद जी महाराज बनारस के अंदर जाते हैं और और उस समय अखबारों में छपा कल स्वामी स्वामी दयानंद का प्रवचन होगा और स्वामी कहा कि स्वामी दयानंद कल आएंगे इस बनारस के अंदर गलियों में और एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलेगी। उस समय स्वामी श्रद्धानंद की माँ ने कहा बच्चों से आज घर में बंद हो जाओ और बेटा कोई जादूगर आने वाला है और वो जादू करेगा और कहा कि तुम अपने घर में बंद रहना। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं कि जिस समय स्वामी दयानंद बनारस की गलियों में आए और बहुत बड़ी शोभा यात्रा और कहा कि जय जयकार लग रही थी और उस समय हमें घर में बंद कर दिया, हम छोटे थे, और उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं उस दिन मेरी माँ ने मुझे घर में बंद कर दिया था। अरे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज लिखते हैं जिस बाबा को जिस जादूगर से मुझे बचाया था और कहा कि बरेली के अंदर जब मैंने स्वामी दयानंद के प्रवचन सुने थे उनके प्रवचन से जिस समय निरुत्तर हो जाता हूँ और उस दिन मैं अपनी माँ को याद करता हूँ, माँ जिस आपने अपने बेटे को कहा कि एक जादूगर बाबा से बनारस की गलियों में मुझे बचा लिया था, घर में बंद कर दिया था,
आज उसी बाबा का जादू मेरे सिर के ऊपर कहा के बोलने लगा है, आज उसी बाबा का जादू मेरे ऊपर चल गया है। क्या अनुकरणीय जीवन था स्वामी श्रद्धानंद का, जो महात्मा कहा के एक महात्मा से कहा के महात्मा से एक श्रद्धानंद बन गए, जिन्होंने गुरुकुलों की स्थापना की, जिन्होंने नारियों के अधिकार के लिए जलंधर के अंदर गुरुकुल की पाठशाला कन्या पाठशाला जिन्होंने खोली, वो मानव नहीं, वो मानवता के पुजारी थे, अरे दलितों को अपने गले लगाने वाले थे, वो भारतीय माँ का वीर सपूत था, वो देश की तकदीर था। कहा के जिसने कहा के एक हमारे सामने एक बहुत सुंदर मार्ग रखा, वह कौन था जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कहा था, जिसने मैकाले की शिक्षा नीति का करारा जवाब दिया था, जिसने महात्मा गांधी अपना बड़ा भाई कहते थे, जिसने चांदनी चौक के संगीनों के सामने सीना खोलकर अंग्रेजों पुलिस के सामने गोली चलाने को ललकारा था, जिसने जामा मस्जिद के ऊपर कहा के सबसे पहले वेद मंत्रों से भाई एकता का कहा के संदेश जिसने दिया था, जिसने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त साहब को प्रवचन देने का गौरव जिसको प्राप्त हुआ था, जिसने भारत के लोक अदालतों का विचार दिया था, जिसने कहा के राष्ट्रीय स्तर का दैनिक अखबार प्रकाशित किया था, जिसने जलियांवाले बाग कांड के बाद कांग्रेस का अधिवेशन कराया था, अरे वो कौन था, वो 20वीं शताब्दी का चमत्कारी एक प्रेरक व्यक्तित्व था, देश और धर्म पर बलिदान होने वाला वो वीर था, वो निर्भीक संपादक था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का संस्थापक था, अपने समय में सार्वधिक लोकप्रिय नेता, दिल्ली का बेताज बादशाह था, शुद्धि अभियान का प्रेरणा जिस महामानव ने अपने जीवन में कहा कि जो अपने समाज के लिए लड़ा हो, देश के लिए लड़ा हो, मुझे स्मरण आता है जिस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहा कि गांधी जी का साथ दे रहे थे, गांधी जी ने जो आंदोलन छेड़ा था दक्षिण भारत के अंदर, जिस समय मालवीय जी जाते हैं, उन्होंने कहा कि मैं पूरे भारत के अंदर गया, सब लोगों ने देश की आजादी के लिए मुझे दान दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा उस समय उन गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की वो चर्चा करते हैं कि सबसे ज्यादा दान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से मुझे मिला है, जिन बच्चों ने कहा कि हम भोजन त्यागते हैं देश की आजादी के लिए, हम आगे योगदान देना चाहते हैं। उस समय पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी जी को ये कहा कि सबसे ज्यादा दान मुझे वहां मिला है। महात्मा गांधी जी कहा कि जिस समय गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आए और उस समय कहा के पैर छू करके श्रद्धानंद से आशीर्वाद लेते हैं, महात्मा की उपाधि अगर गांधी जी को किसी ने दी वो स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने दी थी। कहा कि गांधी जी अपना बड़ा भाई के नाम से उनको संबोधन करते थे, तो एक ऐसा महामानव जिसने कहा कि देश के इतिहास को लिखा हो, कहा कि दुनिया में आए हैं तो कुछ ऐसा कर जाएं कि लोग हमारे ऊपर लिखते रहें, या दुनिया में कुछ ऐसा लिख जाएं कहा कि हमारे जाने के बाद हमें हमारे ऊपर लिखते रहें। स्वामी श्रद्धानंद कहा कि उनकी हर जगह श्रद्धा ही काम करती है, गुरुकुल की जैसा कहा कि एक साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया हो, वो सारव देश आर्य सभा के प्रधान थे, गुरुकुल कुरुक्षेत्र की भी उन्होंने स्थापना की थी, और भागवत हिंदी साहित्य सम्मेलन के वो प्रधान चुने गए थे, 30 मार्च को चांदनी चौक में दिल्ली में गोरों के संगीनों के सामने अपना सीना उन्होंने खड़ा होकर गर्जना की थी, वो शुद्धि सभा के प्रणेता थे, शुद्धि को चक्र का चलाने वाले वे थे, कहा कि उन्होंने अपना हिंदू सभा के वो प्रधान थे, बहुत सारे कहा कि उनके प्रकल्प हैं, हम सब लोग ऐसे महामानव को नमन करते हैं क्योंकि ये क्रांतिकारी होते हैं, ये देशभक्त होते हैं, जीना मरना लगा दुनिया में, मरना सभी को आता नहीं, देश हित में जो मरा बलिदान व्यर्थ जाता नहीं, दर्द की सीमा होती है अधिक सहा जाता नहीं, वह राष्ट्र गूंगा है जो गीत शहीदों के गाता नहीं। तो ये महापुरुषों की जयंती हम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, अरे ये महापुरुष सारे संसार के लिए होते हैं, तो गौरव से हमें जीना सिखाया, हिंदी के लिए जो लड़ा हो, अपने वतन के लिए लड़ा हो,
और जिसने जाते जाते अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए, ताकि जिन्होंने बलिदान दिया हो, महापुरुष कभी मरते नहीं, उनका यह स्वकीर्ति सदा जीवित रहती है। व्यक्ति संसार में जीवित रहता है तो अपनी कृति से और अपने कार्यों से सदा जीवित रहता है। ऐसे महामानव से आज हम अपने जीवन में प्रेरणा लें, उनका जो बलिदान था वो कभी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद है अनिल आर्य जी को, पूरी टीम को, जो अपने महापुरुषों को स्मरण करते हैं, महापुरुषों की जयंती मनाते हैं। उनके जीवन से अगर हमने प्रेरणा ली, उनके जीवन से अगर हमने अपने जीवन की ज्योत जला ली, तो ये उस महामानव का बलिदान दिवस मनाना हम सबका सार्थक होगा। आप सबका धन्यवाद। इति ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य केवेंद्र जी। खुशी की बात है 1390 लोग फेसबुक पे भी कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। अब जो है ओम सप्रा जी उत्तर दिल्ली वेद प्रचार मंडल के प्रधान 2 मिनट के लिए अपनी शुभकामनाएं देंगे, फिर रविंद्र गुप्ता जी, जनक अरोड़ा जी, उर्वेल जी गुरगांव से, उनका एक एक भजन होगा। आइए ओम सप्रा जी 2 मिनट। ओम सप्रा जी, चलो तब तक मैं चरक अरोड़ा जी से प्रार्थना करूंगा पारीपत से एक भजन। रविदेव गुप्ता जी भी जुड़े हुए, उनका भी स्वागत करता हूँ। चरक अरोड़ा जी आइए। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार जी। सब बहन भाइयों को नमस्कार जो जुड़े हुए हैं। तो आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस है, पहले कुछ पंक्तियां चार और उसके बाद ये कोई अफसाना या किस्सा कहानी नहीं। स्वामी स्वामी अपना करोड़ा जी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, नेटवर्क दिक्कत है। पहले रविंद्र गुप्ता जी सुना ले, फिर उनका बाइक ठीक नहीं। अभी आइए रविंद्र गुप्ता जी फरीदाबाद से। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए आज स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के अवसर पर एक गीत उनको समर्पित है। भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भिकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी, निर्भिकता का था अवतार श्रद्धानंद स्वामी। सीने पे खाई गोली खून से खेली होली, सीने पे खाई गोली खून से खेली होली, देश पर कर गया जान निसार श्रद्धानंद स्वामी, देश पर कर गया जान निसार श्रद्धानंद स्वामी। भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, चांदनी चौक पे गोरे बंदूक लिए खड़े थे, चांदनी चौक पे गोरे बंदूक लिए खड़े थे, कर गया बाधाओं को पार श्रद्धानंद स्वामी, कर गया बाधाओं को पार श्रद्धानंद स्वामी। भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर, जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर, गुप्ता जी आवाज नहीं आ रही। NCT
गुप्ता जी आपका माइक बंद है। रविंदर गुप्ता जी आपका माइक बंद है। रविंदर गुप्ता जी आपका माइक बंद है। इसके बाद उर्मिला जी गुड़गावा से तैयार रहेगी। रविंदर गुप्ता जी माइक नहीं चल रहा आपका। अब ठीक है? हाँ ठीक है जी। जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर, जामा मस्जिद में जाकर वेदों के मंत्र सुनाकर, कह गया विश्व है एक परिवार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया विश्व है एक परिवार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, गुरुकुल खुलवाए उसने वेद सब मिटाए उसने, गुरुकुल खुलवाए उसने वेद सब मिटाए उसने, कह गया बांटो सबको प्यार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया बांटो सबको प्यार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, दलितों से प्यार जताकर उन सबको गले लगाकर, दलितों से प्यार जताकर उन सबको गले लगाकर, देश में लाया नया निखार श्रद्धानंद स्वामी, देश में लाया नया निखार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, उसने था गाया गाना नहीं कोई भी बेगाना, उसने था गाया गाना नहीं कोई भी बेगाना, कर गया भारत का उद्धार श्रद्धानंद स्वामी, कर गया भारत का उद्धार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, बनो दुख में सुख में सांझी देश की नाव के मांझी, बनो दुख में सुख में सांझी देश की नाव के मांझी, कह गया लगाओ नैया पार श्रद्धानंद स्वामी, कह गया लगाओ नैया पार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी, भारत का था कौमी सरदार श्रद्धानंद स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद रविंद्र गुप्ता जी। अब उर्मिला जी गुड़गावा से एक भजन, फिर नरेंद्र विवेक जी चंडीगढ़ से जुड़े हैं, चार पांच मिनट के लिए वो मिनट में बात रखेंगे, फिर ओम सप्रा जी एक आध भजन और 10-15 मिनट का। नमस्ते, स्वागत है जी। आज स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस हम मना रहे हैं। गोलियां सीने पे खा कर चलती, प्यास का तिल की बुझा कर चल लिए, गोलियां सीने पे खा कर चलती, रक्त से दिक बगीचा सींच कर, धर्म हित मरना सिखा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, झुक रही संगीन सीना सामने, कदम आगे को बढ़ा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गंगा तट जंगल में मंगल कर दिया,
कांगड़ी गुरुकुल बना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने कर चल दिए, जामा मस्जिद पे खड़े हो एक दिन, वेद ध्वनि सबको सुना कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, पाठ समता का पढ़ाया आपने, का चक्र शुद्धि का चला कर चल दिए, भाई से भाई मिलाया था गले, का बहा कर चल दिए, प्यास का तिल की बुझा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए, गोलियां सीने पे खा कर चल दिए। धन्यवाद। बहुत सुंदर जी। बजा जिंदगी का कुछ वही जानते हैं जो मौत को जिंदगी जानते हैं, नहीं जानते कि अंजाम क्या है, पर रब है जिंदगी जानते हैं। अब मैं नरेंद्र ओझा विवेक जी चंडीगढ़ से अनुरोध करूंगा, 4-5 मिनट के लिए अपना संदेश देंगे, फिर श्री ओम सबरा जी। नरेंद्र ओझा विवेक जी स्वागत है। समाज के बहुत बड़े स्तंभ सम्माननीय स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है, लेकिन समय की सीमा के अंदर चंद बातें कहूंगा, क्योंकि रात्रि को फिर से केंद्रीय आर्य परिषद हरियाणा का कार्यक्रम है 7 से 8 बजे तक। मैं उसके लिए भी सभी को सादर निमंत्रित करता हूँ। जूम लिंक और जो निमंत्रण पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं, सभी से पुनः अनुरोध कि उस कार्यक्रम में आप अवश्य जुड़े, और कार्यक्रम को देरी से रखा भी इसीलिए क्या है कि लोग उससे जुड़ पाए। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के बारे में चंद पंक्तियों में इतना ही कहूंगा कि यदि हम महर्षि देव दयानंद का मानस पुत्र किसी को कह सकते हैं तो वह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज एक निर्भीक सन्यासी, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली के इस राष्ट्र में पुनः संस्थापक, सर्वस्व त्यागी इसलिए कहा कि गुरुकुल की स्थापना के लिए सर्वप्रथम अपना ही पूरा परिवार को भी दिया, दोनों बच्चों को भी दिया उसी कार्य के लिए, और अपना सर्वस्व दान देते हुए उसकी स्थापना की। महान दानवीर, वही सर्वस्व त्यागी कहा तो दानवीर कहा, क्योंकि उन्होंने कभी भी गुरुकुल से कुछ लिया नहीं, गुरुकुल को अपना जीवन भी दिया, अपना धन भी दिया, तन भी दिया और मन भी दिया। साथ ही साथ निष्पक्ष पत्रकार के रूप में भी हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को जानते हैं। जो लोग उनके जीवन को पढ़ चुके हैं, कल्याण मार्ग का पथिक पढ़ा हो, या मेरे पिता इंद्र विद्या वाचस्पति का लिखा एक ऐतिहासिक दस्तावेज जिन्होंने पढ़ा हो, तो वे समझ सकते हैं कि वह एक निष्पक्ष निर्भीक पत्रकार भी थे। नारी शिक्षा के पक्षधर थे, क्योंकि सबसे पहले यदि लड़कियों की शिक्षा के लिए किसी ने प्रेरित किया राष्ट्र के अंदर तो वह स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज थे। जब उन्होंने अपनी ही बेटी को एक गीत गाते सुना, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लागे है बोल, तो तभी उन्होंने संकल्प किया कि नहीं, मेरे राष्ट्र में ये मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, क्योंकि मैकाले की पद्धति हमारे राष्ट्र की आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से गुलाम बना देगी। इसीलिए उन्होंने प्राचीनतम आर्ष विद्या शिक्षा पद्धति से जोड़ते हुए गुरुकुलों की पुनः स्थापना की, जिसमें कि शिष्य गुरु के पास रह करके शिक्षा ग्रहण करता हुआ अपने जीवन को उन्नत करता था और हम राष्ट्र के संभ्रांत नागरिक बनाने में सफल हो पाते थे।
शुद्धि आंदोलन के प्रणेता और निश्चित रूप से आज जो एक अध्यादेश इत्यादि आ रहे हैं इनकी बहुत ही पहले आवश्यकता थी, है और रहेगी। और ये तो उसी समय स्पष्ट हो जाना चाहिए था जब हम प्रतिवर्ष स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए शत शत नमन करते हैं कि आज राष्ट्र के अंदर इस बात की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो शुद्धि आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी हम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को जानते हैं, एक महान स्वतंत्रता सेनानी जिसका मैं कह सकता हूं आवाज बंद हो करते हुए कहा कि मैं तो वैचारिक बम बनाता हूं और ये गुरुकुल के छात्र ही वैचारिक क्रांति करते हुए इस राष्ट्र को स्वतंत्र करवाएंगे, यही मेरे बम है जिनका मैं निर्माण करता हूँ और जिनकी सूचना पा करके आप यहाँ बमों की फैक्ट्री देखने के लिए आए हैं। मैं पूरी बात तो रात्रिकालीन कार्यक्रम में ही कहूंगा क्योंकि एक एक विषय पर मैं हम काफी देर तक बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं और आज के संदर्भ में हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। एक थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूंगा कि जो आज की वर्तमान नई शिक्षा नीति आई है उसे भी बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन चलिए देर आया दुरुस्त आया, भूल सुधार हुआ। चाहे उस शिक्षा नीति पर भी भगवाकरण के आरोप लगे, लेकिन ये भगवाकरण और कुछ नहीं, हमारे विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ संस्कारों से जोड़ने का एक प्रयास है और इसके बिना ये कार्य संभव नहीं है। ये भी स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन से ही और गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली से आश्र पद्धति से ही हमें एक प्रेरणा मिलती है और ये देर आया दुरुस्त आया, लेकिन हम इसका स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से इसे बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था। क्योंकि एक छोटी सी बात कहकर के वाणी को विराम देता हूँ, महाभारत के युद्ध के अनेकों कारण आते हैं सामने निकल करके, तो मैं एक कारण ये भी समझता हूँ कि उस समय चूंकि पहली बार मैं गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली का ह्रास हुआ, उसको तोड़ा गया और गुरु द्रोण को राज्य व्यवस्था के अंदर जिनको शिक्षा देनी थी उन्हीं के पिता के वित्त पोषित एक विद्यालय के अंदर रह करके पढ़ने के लिए मजबूर, पढ़ाने के लिए मजबूर किया गया। तो दुर्योधन आदि ने सोचा कि गुरु द्रोण तो मेरे पिता के वित्त पोषित एक अध्यापक मात्र हैं, तो वो सम्मान उन्होंने कहीं कभी नहीं दिया और उनके अंदर एक स्वाभाविक उदंडता और उच्छृंखलता के भाव आ गए और जो आगे चल करके वही उदंडता बड़ों का आदर ना करना, कहना ना मानना और संस्कारों से विहीन होने के कारण ही एक युद्ध की स्थिति जो महाभारत के युद्ध के नाम से ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध है राष्ट्र में हुआ। इस पर विस्तार से चर्चा हम रात्रिकालीन कार्यक्रम में करेंगे और अंत में पुनः आप सभी को रात्रिकालीन केंद्रीय आर्य उपनिषद हरियाणा की प्रांतीय इकाई द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मैं आप सभी को पुनः आमंत्रित भी करता हूँ और उसका लिंक सौरभ गुप्ता जी भी और प्रधान जी ने तो पहले ही भेज दिया है, तो आप उसमें भी अवश्य जुड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज को शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि। ओम इति शम। धन्यवाद विवेक जी। जिस लिंक पे आप अभी जुड़े हैं जूम पे, इसी लिंक से ही आप शाम को जुड़ेंगे और 31 दिसंबर तक यही लिंक हर कार्यक्रम के लिए रहेगा। परसों 25 तारीख को शाम 5 बजे दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र शास्त्री जी का वक्तव्य रहेगा, स्वामी श्रद्धांत व्यक्तित्व कृतित्व, तो उसमें भी आप अवश्य जुड़े। और अब मैं आमंत्रित करता हूँ ओम सप्रा जी से दो शब्द, काशी राम जी का एक गीत, फिर भाई जी द्वारा धन्यवाद व शांति पाठ। ओम सप्रा जी। नमस्ते जी सबको। अभी बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, मेरे इसमें थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम है इसलिए मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। अभी जो उद्बोधन दिया श्री नरेंद्र ओझा जी ने, जो हमारे बहुत ही बड़े प्रिय साथी हैं, बड़े पुराने, उनकी विशेषता ये है कि वो आर्य सिद्धांतों के मर्मज्ञ भी हैं और साथ में साहित्यकार भी हैं, कवि भी हैं। और स्वामी सुमेधानंद जी और डॉक्टर अशोक चौहान, वो हमारी आर्य समाज के रत्न हैं। और गोविंदर शास्त्री जी ने इतना सुंदर प्रकाश डाला उनकी जीवनी के ऊपर, जिस प्रकार से एक एक घटनाओं का जिक्र किया गोविंद शास्त्री जी की तरह से स्वामी सुमेधानंद जी ने भी विभिन्न जो उनकी घटनाएं हुई, जो प्रेरक घटनाएं हैं और जो ये सिद्ध करती हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है समाज में और इस प्रकार सुंदर कार्य करता है, जो सन्यासी भी है सर्व त्यागी भी है, तो ऐसे व्यक्ति को हमें अपना
प्रेरक बनाना चाहिए, अपना प्रतीक चिन्ह बनाना चाहिए, तभी हमारी समाज में पुनः संचार कर सकते हैं ज्ञान का भी और साहस का भी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि कोई प्रकल्प बना के आप सब लोग मिलकर स्वामी सुमेधानंद जी को दें। जिस प्रकार उन्होंने बताया कि गुरु नानक देव जी की 550वें जन्मदिन पर 500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने सैंक्शन किए हैं और उनके 550 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं, इसी प्रकार हमें स्वामी सदानंद और बाद में स्वामी देवानंद पर भी कम से कम 200-200 कार्यक्रम करने चाहिए ताकि जनता तक, जन जागरण तक आर्य समाज का संदेश पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी। धन्यवाद श्री ओम सप्रा जी। अब हमारे काशीराव जी एक गीत, फिर बेहतर भाई जी प्रवीत जी द्वारा धन्यवाद शांति पाठ। नमस्ते जी। नमस्ते जी। एक देखते गीत आप सबके समक्ष, स्वयं की रचना है, आशा करता हूँ पसंद आएगी। भारत के नौजवानों एक टेक ठान, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में तुम अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में तुम अपने प्राण दो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो। दिखला दो इतना शौर्य के दुश्मन भी थर थर आए, दिखला दो इतना शौर्य की दुश्मन भी थर थर आए, माँ भारती की सीमा के समीप आ न पाए, माँ भारती की सीमा के समीप आ न पाए, जो तुमसे है टकराए, जो तुमसे है टकराए उसे धूल चटा दो, जो तुमसे है टकराए उसे धूल चटा दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो। अब सभी शास्त्र मौजूद हैं अपने घर में, अब सभी शास्त्र मौजूद हैं अपने घर में, घबरा रहे हैं दुश्मन लड़ने से देखो रण में, घबरा रहे हैं दुश्मन देखो लड़ने से देखो रण में, अब इस खौफ को जवान बरकरार रहने दो, इस खौफ को जवानों बरकरार रहने दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, भारत के नौजवान एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो। अनेकों संघर्षों से मिली है ये आजादी, अनेकों संघर्षों से मिली है ये आजादी, माँ भारती के लालों ने है अपनी बलि चढ़ा दी, माँ भारती के लालों ने है अपनी बलि चढ़ा दी, उन वीरों की बलि का अभिमान रख लो, उन वीरों की बलि का अभिमान रख लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो। आओ स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम मनाए, आओ स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस हम मनाए, अपने अपने मन में एक संकल्प करते जाएं, अपने अपने मन में एक संकल्प करते जाएं, काशीराम देश के लिए जीना सीख लो,
के काशी राम देश के लिए जीना सीख लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, भारत के नौजवानों एक टेक ठान लो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो, माँ भारती की रक्षा में चाहे अपने प्राण दो। धन्यवाद धन्यवाद काशी राव जी। आरएसएस सूर्यनिकेतन से शाम को 6 बजे केंद्र शाह हरियाणा का स्वामी श्रद्धा दिवस कार्यक्रम, जिसमें आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी मुख्य अतिथि रहेंगे, 6 बजे इसी लिंक के माध्यम से जुड़े आशा जी और जो लोग भजन नहीं गा पाए शाम को अवसर मिलेगा। परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री महेंद्र भाई जी से प्रार्थना करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन प्रवीत जी द्वारा शांति पाठ। महेंद्र भाई जी आज राम कुमार जी, वेद प्रकाश जी, जयशंकर जी, सुदेश जी जुड़े हुए, सभी का स्वागत। सरोजी भाई जी है, महामंत्री जी है कि नहीं, लग रहा नहीं है। चलो मैं प्रवीण जी से प्रार्थना करूंगा गाजियाबाद से, एक दो चार लाइनें गीत की और शांति पाठ। आज का कार्यक्रम समाप्त, शाम को 6 बजे फिर मिलते हैं। प्रवीण जी आइए। श्रद्धा से श्रद्धानंद ने सीने पे खाई गोलियां, हंस हंस के हंस राज ने तन मन व धन लुटा दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें जगा दिया। अपने लहू से लेख राम, अपनी कहानी लिख गया। तूने ही लाला लाज पर शेरे बबर बना दिया। धन्य है तुमको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूं कि जब जब भी आपको ऐसे सुंदर अवसरों का, सत्संगों का समाचार मिले, मैसेज मिले, तो आप इसी प्रकार अपना स्नेह बनाए रखें और जुड़े रहें। धन्यवाद के साथ ये सभा यहां संपन्न होगी और शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वम शांति शांति रेवा शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अब है, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।